मुझे तो ये भी पता है कि तुम नई नई आई हो इस घर में। कुछ दिनों के बाद तुम भी यही हाल करोगी मेरा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी में आपकी इज्जत से बढ़कर और कुछ भी नहीं। ये खिलाने पिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माँ बाप ने अपने सर से बोझ उतार कर हमारे कंधों पर डाल दिया, मगर ये मत समझना कि मैं ज्यादा देर तुम्हारा बोझ अपने कंधों पर ढो सकूंगी। एक बात कान खोलकर सुन लो, जहेज में भले तुम कुछ नहीं लेकर आई, लेकिन शौहर को काम काज पर लगाकर बहुत कुछ बनाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे बीवियां तो पता नहीं कैसे कैसे शोहरों को सीधा कर देती हैं, शराब छुड़वा देती हैं, जुए की लत खत्म करवा देती हैं। तुम अपने शौहर को काम पर नहीं लगा सकी, उल्टा उसके साथ मिलकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने लगी हो तुम। खुद तो आप सुधार नहीं पाई अम्मा, अब ये जिम्मेदारी भी इस पर डाल रही हैं आप। ऐसे मैं बताऊं, आपके बेटे को मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है। टिकवा ले मुझसे, वो नहीं सुधरने वाला, उनकी सोई भी गैरत कभी नहीं जागेगी। तुम अपनी जबान बंद रखो तो बेहतर होगा। अगर अच्छी बात नहीं निकाल सकती हो ना मेरे और मेरे बेटे के लिए, तो चुप ही रहा करो। और तुम कहां चल दी बीबी? मैंने तुमसे कहा ना, मेरे बेटे को काम पर लगाओ, वरना यहां से सुधारने की तैयारी कर लो।